इसके क्योंकि इतना गंभीर है इसीलिए इसके बचाव के विषय पे हमें चर्चा करना ही होगा और उसे अपनाना पड़ेगा। लॉकडाउन में तैनात फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स पुलिस कर्मियों के कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद प्रयागराज में एक डॉक्टर ने इन कोरोना वॉरियर्स को उनकी ड्यूटी के समय कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक करने का अभियान शुरू किया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से ही राइट कंट्री में हमारे देश में हमारे प्रदेश में हम लोग को मिला, तो हमें सबसे पहला पार्ट ये प्रैक्टिस में लाना होगा। नारायण स्वरूप अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजीव सिंह ने पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस कर्मियों को ड्यूटी करते समय कोरोना से बचाव के तरीके बताए और पुलिस कर्मियों को जागरूक किया। 100 से 160 ग्राम या ये एक नाप आता है, उनका कहना है कि कोरोना वायरस में सबसे पहले फ्रंट पर वो पुलिसकर्मी ही संक्रमण के खतरे का शिकार होते हैं जिनका सीधा संपर्क संभावित कोरोना संक्रमित लोगों से होता है, जिससे बचाव के लिए उन्होंने आज टिप्स दिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इनका कार्यस्थल कि वहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, तो वो उस प्लेस पे तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि भाई वहाँ साबुन हो, नल हो, बाहर ही जहाँ की सबसे पहले कोई भी घुसे तो वो हाथ धुलकर ही अंदर जाए। दूसरा, पैर को सैनिटाइज करने के लिए एक ब्लॉक बना करके सैनिटाइज करने की बात हम लोगों ने बताई। तीसरा, पूरे क्षेत्र को हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से इस मशीन के द्वारा हम अपने जिस जगह पे हम कार्यस्थल जो थाना का जगह है, ऑफिस है, हमारी दीवारें हैं, उसको हम कैसे हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से क्लीन करें। तीसरा, हमारे डोर्स, हमारे टॉयलेट, उनको कैसे क्लीन करें, इसके बारे में पूरा डिटेल मिलता है। इस अभियान की शुरुआत शहर के धूमनगंज थाने से हुई, जहां आज नारायण स्वरूप अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजीव सिंह खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस कर्मियों को कोरोना से बचाव का रास्ता बताया। जिले में पुलिस कर्मियों को कोरोना से बचाव का यह अपने तरह का पहला अभियान है। आज पूरा देश कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, ऐसे में भारत के रहने वाले पुलिसकर्मी और मेडिकल टीम एक अहम रोल कोरोना वायरस से लड़ने में अदा कर रहा है। इसी वायरस की लड़ाई के बीच में कई ऐसे पुलिसकर्मी सामने आए जिनको ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा है और लगातार पुलिसकर्मियों में ये मामला बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत में सभी पुलिसकर्मी जो इस वक्त अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंता है। ऐसे में एक डॉक्टर ने पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसमें पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से बचाव के लिए क्या तरीके हैं और किस प्रकार से इस संक्रमण से बच सकते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक डॉक्टर राजू सिंह ने पुलिस कर्मियों को जानकारी दी। और चौथा, ये जो ब्लैक वाले, इनमें से जो ये मास्क है वो वायरस को 95% रोकता है, 95% वायरस को इंटर करने से रोकता है, 95% ये भी रोकता है, ये बैक्टीरिया और बाकी कण को 100% रोकता है।